Everybody get your fucking hands up. सो हे क्रेशर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू प्रेस वीडियो के साथ। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे यार, तू कुछ सोच। इस वाले वीडियो पे हम लोग देखेंगे बिल्डर हॉल 9 के बेसिस भी देखेंगे एंड साथ ही में बिल्डर हॉल 9 के अटैक स्ट्रेटजीज भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहूँगा, जब आप लोग टॉप क्लैन में यहाँ पर सर्च मारोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का ही क्लैन दिखेगा। अभी थोड़ा डाउन है लेकिन कुछ ही दिन में ऊपर आ जाएगा। हम लोग का क्लैन आप लोग को देखने को मिलेगा ही ऊपर में। ठीक है, झूठ बोल रहा है। तो बस आज इनके बेसिस भी आप लोग को दिखाऊंगा एंड साथ ही में इन लोग किस तरह से अटैक करते हैं बेसिस में, तो बहुत कुछ मदद होगी आप लोग को इस वाले वीडियो में। तो भाई, जितने बंदे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को जाकर सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है, तो भाई लोग सबसे पहले बेसिस देखेंगे। तो ये देखो, सबसे पहला बेस ये है एंड दूसरा नंबर बेस ये वाला एंड एक और बेस है वो है ये तीसरा वाला। तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके आराम से कॉपी कर लें। तो गाइज, अब आइए आराम से अब इन लोग का अटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हाइपर अंकित ने किया था एंड यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अटैक को प्लान किया गया था। तो बेस डिजाइन आप लोग देख सकते हैं एंड अगर इस तरह के बेसेस आप लोग को देखने को मिलेंगे तो आप लोग भी सेम इसी अटैक स्ट्रेटजी को कॉपी करके एंड आराम से बेस को हाई परसेंटेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तो स्नीकी अर्चर्स को ड्रॉप किया गया यहाँ एलिक्सर स्टोरेज के पास। लगभग 7 से 8 स्नीकी अर्चर्स को ड्रॉप करके यहाँ पर एलिक्सर स्टोरेज और ये जो कैनन है दोनों डाउन हो चुका है बहुत ही इजी वे में। एंड यहाँ पर 2 और स्नीकी अर्चर्स को ड्रॉप किया गया एंड ये टेस्ला को भी निकाला गया। एंड यहाँ पर और एक अर्चर को डिप्लॉय करके ये जो आर्मी कैंप है इसको टेक डाउन कर लिया गया है। एंड यहाँ पर लास्ट के जो 2 अर्चर बचे हुए थे वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया एंड यहाँ से बैटल मशीन को भी ड्रॉप कर दिया गया। एंड इसके बाद यहाँ से 2-2 करके हॉग राइडर्स को डिप्लॉय कर दिया जा रहा है कुछ इस तरह से। एंड इधर से भी 2 एंड इधर से भी 2 एंड बेस में अब बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि बैंड बजने वाला बेस का क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हॉग राइडर जो है एकदम बंच में क्रिएट हो चुके हैं एंड लास्ट वाला हॉग राइडर यहाँ पर डिप्लॉय करके ये जो टेस्ला के ऊपर डाला गया एंड ये टेस्ला भी डाउन हो चुका है। एंड अब बेस में ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है लग रहा है एंड हॉग राइडर्स भी अभी बहुत सारे बचे हुए हैं एंड एक यहाँ पर क्रशर बचा हुआ है एंड एक कैनन बचा हुआ है एंड देखते हैं कि क्या हो पाता है। यहाँ पर लगता है तो नहीं है ट्रिपल हो पाएगा क्योंकि टाइम का यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था शायद। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हाँ टाइम का ही इशू हुआ था इस वाले में, नहीं तो ये बेस आराम से ट्रिपल हो जाता। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ भी बिल्डिंग्स नहीं बचे हुए, बस ये ना बिल्डिंग्स बचे हुए थे, बट कोई नहीं, 84% बहुत ही अच्छा है। एंड देखते हैं अब नेक्स्ट अटैक। तो यहाँ पर पेन एंड गेन भाई साहब ने किया था अटैक इस वाले बेस पे एंड ये बेस थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। तो आइए देख भी लेते हैं इस वाले बेस में किस तरह से हाई परसेंटेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो गाइस बार्बेरियन को ड्रॉप कर दिया गया एंड और एक बार्बेरियन यहाँ पर एंड यहाँ पर 2 वॉल ब्रेकर्स को कुछ इस तरह से ड्रॉप कर दिया गया है एंड इधर से कुछ बार्बेरियंस आ रहे हैं जो साइड की बिल्डिंग्स को टेक डाउन कर रहे हैं बहुत ही जल्दी। एंड इधर से भी ये जो है वॉल ब्रेकर्स ने अंदर के वॉल्स को ओपन कर दिया है। एंड इस वाले स्ट्रेटजी में मुझे थोड़ा सा पता है कि क्या करना है। यहाँ पर जो मल्टी मोटार है एंड लावा लॉन्चर है उससे गाइज आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करना है, जाइंट से या फिर बैटल मशीन से आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करना है जो मोटार और लावा लॉन्चर है। एंड बाकी जो कैनन्स वगैरह है वो जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमारे बार्बेरियंस। बार्बेरियंस से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है जो ग्राउंड कैनन्स है, डबल कैनन्स या सिंगल कैनन्स है। एंड पीछे से गाइज जो ये कैनन कार्ड्स है ये बाकी के बेसेस को आराम से टेक डाउन करते हैं। तो कुछ इसी तरह किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं एक जाइंट को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया एंड ऊपर से 3 जाइंट एंड बैटल मशीन को ड्रॉप कर दिया गया है। एंड इधर की साइड में अब मल्टी मोटर डाउन हो चुका है एंड यहाँ लावा लॉन्चर अब डाउन होने ही वाला है। एंड बेस में अभी बैटल मशीन जा रहा है कि बिल्डर हॉल के पास जा रहा है बैटल मशीन। एंड यहाँ पर धीरे धीरे बार्बेरियंस को कुछ ड्रॉप करके
मतलब डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कैनन्स को और डबल कैनन्स को अर्चर टावर इसी तरह से। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटल मशीन अब टाउन हॉल टेक डाउन कर दिया एंड यहाँ पर कैनन कार्ड्स भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, 72% आ चुका है, 74%। एंड देखते हैं कितना आ पाता है इसमें। एंड कुछ तो बेस में बचा नहीं है, एंड अब तो कुछ भी नहीं बचा है गाइस। ये बेस इजली 3 स्टार हो गया एंड बहुत ही ओपी तरीके से भाई पेन एंड गेन ने अटैक किया है। तो भाई कमेंट करके बताओ इस वाले बेस को आपने कहां पर देखा है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट अटैक देखते हैं। एंड ये अटैक डार्क फैंटम भाई ने किया था, मेरे ऊपर ही किया था। एंड यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बेस भी देखा देखा सा लग रहा है। तो ये भी बताओ भाई कमेंट करके कहां पर देखा है। एंड यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले बार्बेरियन का यूज़ किया गया यहां पर। एंड यहां पर भी कुछ बार्बेरियंस का यूज़ करके साइड के बिल्डिंग्स को जो है टेक डाउन किया जा रहा है। एंड उसके बाद सेम प्रोसेस लगाया जाएगा अभी। एंड यहाँ पर हॉग राइडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक कैनन कार्ड को ड्रॉप करके वॉल ब्रेकर नहीं लाया, तो कैनन कार्ड से काम चला रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर फाइनली वॉल ओपन हो चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पर बैटल मशीन को कुछ इस तरह से ड्रॉप किया गया एंड एक जाइंट को, एंड पीछे से सारे के सारे बार्बेरियंस, मतलब सारे के सारे नहीं, कुछ ही बार्बेरियंस को ड्रॉप किया गया एंड कुछ और जाइंट्स आ चुके हैं। एंड इधर से हॉग राइडर्स को ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ बार्बेरियंस बचा के रखे हैं। एंड अभी थोड़ा लेट डिप्लॉय किया जाएगा। एंड कैनन कार्ड्स भी अब अंदर की ओर जा रहे हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से लावा लॉन्चर को टेक डाउन कर दिया गया है, बट अभी भी मल्टी मोटा टेक डाउन नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो लेकिन देखते हैं। तो यहाँ से नीचे से कुछ बार्बेरियंस ड्रॉप कर दिया गया है एंड मल्टी मोटर अभी भी के तो टारगेट कर दिया गया है। जाइंट के ऊपर ही लॉक हुआ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी बस कैनन कार्ड्स बचे हुए हैं एंड अभी भी बहुत सारे डिफेंस कैनन बचे हुए हैं, अर्चर टावर बचा हुआ है, डबल कैनन ही बचे हुए हैं एंड यहाँ पर टेस्ला बचा हुआ है। तो ये बेस तो भाई 80% में जाके अटक गया एंड बहुत ही अच्छा था अटैक। तो आइए अब एक आध लाइव अटैक्स भी कर लेते हैं। एंड ये वाला बेस मुझे मिला था एंड ये बेस में मुझे पता है। एंड यहाँ पर हम लोग ने यूज़ किया था सुपर पैकास विथ हॉग राइडर्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने 2 पैकास को कुछ इस तरह से ड्रॉप किया एंड ये बैटल मशीन भी आ चुका है एंड यहाँ से बाकी के 2 पैकास को ड्रॉप कर दिया। एंड ये जो हॉग राइडर्स की मदद से आप लोगों को गाइस कैनन को बस फ्रीज करना है। एंड एक हमने बचा कर रखा है ताकि जो है क्रशर के ऊपर हम लोग डाल पाएँ। एंड यहाँ पर अभी बस अंदर जाने ही वाले हैं, पिकर्स बाकी के 2 जा चुके हैं एंड 3 अब जा रहे हैं एंड 1 पैका उधर से भी। ओके, तो 4 अब पैकर्स कोर में आ चुके हैं एंड एक हमने अभी तक बचा के रखा है हॉग राइडर्स को। एंड यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर देते हैं लास्ट वाला हॉग राइडर को इस वाले क्रशर के ऊपर एंड देखते हैं। एंड अभी भी 4 पैकर्स हमारे पास हैं एंड अच्छे खासे हेल्थ में भी है। एंड बैटल मशीन को फिर से चार्ज कर देते हैं एंड यहाँ पर अभी भी एक जाइंट कैनन, सॉरी डबल कैनन भी डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पर 2 हिडन टेस्ला एंड 1 अर्चर टावर बचा हुआ है एंड अभी भी हमारे पास देख सकते हैं कि 4 पैका स्टिल अभी स्टैंड में है, मतलब अभी तक डाउन भी नहीं हुआ, 1 भी पैका गाइज मरा नहीं। तो ये वाला अटैक स्ट्रेटजी भाई बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के बेसिस आते हैं, तो ये इतना ईजी बना देता है ये वाला अटैक स्ट्रेटजी। आप लोग भी इसे ज़रूर से यूज़ करना। तो गाइज़ अब आइए देखते हैं एक और लास्ट अटैक, उसके बाद गाइज़ कर देंगे हम लोग वीडियो का अंत, क्योंकि गाइज़ मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो यहाँ पर हमने लास्ट अटैक कर दिया है एंड क्या इसमें भी हम लोग सेम अटैक स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं? ओके, तो हाँ यहाँ पर हम लोग हॉग वैडर का यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर 2 पैकर्स को कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है एंड यहाँ से हम लोग बैटल मशीन को ड्रॉप कर देते हैं अब। एंड उसके बाद जैसे ही वॉल ओपन होगा, अब हम लोग यहाँ पर हॉग वैडर्स को ड्रॉप करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया है एंड अभी भी 2 बचा के रखे हैं एंड 1 क्रशर पे यहाँ पर जा रहा है एंड क्रशर फ्रीज हो चुका है बहुत ही ओपी तरीके से। एंड और एक यहाँ पर हम लोग इस वाले क्रशर पे डाल देते हैं, ठीक है। तो अब बस बैटल मशीन को बस चार्ज करना है एंड देखते हैं कि क्या होता है इस वाले बेस में। ओके, तो यहाँ पर अभी भी 3 पैकर्स बचे हुए हैं एंड अभी भी ये जो मेगा टेस्ला है बचा हुआ है जो बहुत ही ओपी डैमेज देता है हमें। एंड यहाँ पर अभी भी डबल कैनन एंड 1-2 अर्चर टावर, 1 अभी भी हिडन टेस्ला बचा हुआ है एंड 1 पैका नहीं नहीं 2 पैका
एंड हमारा बैटल मशीन भी अभी बचा हुआ है। ओके, तो ये इन लोग नीचे की ओर आ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बैटल मशीन भाई कट गया साइड से, जब मार खाने के बारी आया नीचे भाग गया, बहुत ही चालू है भाई। एंड यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर बस अब एक ही कैनन बचा हुआ है। एंड ये गाइज, ये बेस भी गाइज इजली 3 स्टार हो चुका है। तो गाइज़ क्या आप लोगों को समझ में आया था, वो जो 2 बेसेस फैंटम भाई और पेन एंड गेन ने अटैक किया था जिसमें, तो वो बेसेस और कुछ नहीं भाई, वही बेसेस उन लोग भी यूज़ कर रहे हैं। एंड उसमें उन लोग अटैक फेल हो रहा था, इसीलिए उन लोग फ्रेंडली चैलेंज देके उस वाले बेस पे ट्राई कर रहे थे एंड 3 स्टार भी कर दिया भाई। लेकिन आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि उस वाले बेस पे ज़्यादातर 3 स्टार नहीं निकाल पाएंगे कोई, क्योंकि जब तक वो मेरा वीडियो नहीं देखेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसका की पॉइंट क्या है। चूना लगा दिया। गाइज आप लोग बेसिस एंड अटैक स्ट्रेटजी का जरूर से यूज़ करना, बहुत ही मज़ा आएगा। एंड बस आज के लिए बस इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक भी गाइज जय हिंद।